स्टिमुलाई का मतलब क्या, कोई भी चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज जिसके कारण हमारे सेंसरी न्यूरॉन एक्टिवेट हो रहे हैं, जैसे कि हीट, कोल्ड, आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, ठीक है, हाथ हमारा सेंसरी ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन मैसेज देके गए CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, तो पूरा जो रिफ्लेक्स सेक्शन इन्वॉल्व है वहां पे स्टिमुलाई आना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। जब तक स्टिमुलाई नहीं होगा रिफ्लेक्स सेक्शन वर्क प्ले में नहीं आएगा। स्टिमुलाई कोई भी एक्सटर्नल चेंज, कोई भी एनवायरनमेंट में चेंज जिसके कारण स्टिमुलाई क्रिएट होगा, चाहे वो हीट है, कोल्ड है, कोई डरावनी सी आवाज है डोगी की, फिर वाशरूम के तुम भाग गए, कोई गंदी सी स्मेल है, नाक बंद कर लिया, आपने खाली बोला था मिर्च, क्या हो रहा है, टच, प्रेशर, ग्रेविटी, वाटर, तो बहुत ऊंचाई इस कारण में डर लगता है, रिफ्लेक्शन के तो फिर पीछे हो गए तुम ऊंचाई को देख के। तो एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर, एनवायरनमेंट का कोई भी फैक्टर जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन पर मैसेज लग जाना, बढ़िया भाई कुछ तो गड़बड़ है। कोऑर्डिनेशन की जब भी हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारा सुनना ध्यान से, ब्रेन तो इन्वॉल्व होता ही होता है, स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व होती है, विदाउट स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन्स तो कभी आएगा ही नहीं वापस, याद करो मोटर न्यूरॉन आप तो स्पाइनल कॉर्ड से रहे थे। जब भी हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं ना तो वहाँ पे हॉर्मोन्स का भी बहुत बड़ा रोल प्ले रहता है, बिकॉज बिना हॉर्मोन के फिर कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे विदाउट हॉर्मोन्स। तो प्रॉपर स्टिमुलस ढंग से काम कर सके तो पूरे ऑर्गन्स तक मैसेज जा सके, तो उसके लिए दो चीजों का बहुत बड़ा रोल है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करने में पड़ते हैं ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। तो जब भी हम एनिमल्स में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं तो एनिमल्स के केस में एक तो नर्वस सिस्टम रोल प्ले करता है, एक रोल प्ले करता है एंडोक्राइन सिस्टम। बच्चे एंडोक्राइन सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिख के आना है आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बोर्ड में, एंडोक्राइन सिस्टम हमेशा रिलीज करता है हॉर्मोन्स, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर सेकंड, एंडोक्राइन सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं डक्टलेस ग्लैंड, मीनिंग इनके पास जब प्रेजेंट नहीं होती तो ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में दे देते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है, डक्ट प्रेजेंट नहीं है इसलिए ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में दे देते हैं। काफी बार ना बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, हम तो बचपन से ब्रेन ब्रेन पढ़ के आ रहे हैं तो नर्वस सिस्टम में रोल प्ले में होना चाहिए, एंडोक्राइन सिस्टम कैसे रोल प्ले में आ गया। बच्चे एक बात याद रखना, आप डॉगी के पीछे पड़े, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी डॉगी आपके पीछे पड़ गया चलो, तो आपके अंदर क्या रिलीज होगा, एडेनलाइन हार्मोन रिलीज होगा। एडेनलाइन हार्मोन रिलीज होने के लिए भी सिंपेथिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, मतलब नर्वस सिस्टम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ये तो हमने एनिमल्स की बात करी, भाई एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम है, प्लांट के अंदर भी प्रॉपर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए भी, प्लांट की हाइट बढ़ रही है, रूट्स बढ़ रही है, गर्थ बढ़ रही है, ठीक है, राइटनिंग हो रही है, तो उसके लिए प्लांट हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं फाइटो, एक्चुअली यहाँ पे फाइटो का मतलब होता है प्लांट। प्लांट हॉर्मोन्स बेसिकली जो आपके लेवल पे हमें पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, उनके फंक्शंस पढ़ने हैं डिटेल। जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में, अभी हमने जस्ट देखा कि भाई दोनों रोल प्ले करेंगे, नर्वस सिस्टम भी। नर्वस सिस्टम में आपको याद रखना है एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स है। अच्छा, नर्व्स होता है बंडल ऑफ एक्सॉन्स ऑफ मैनी न्यूरॉन्स, मैनी न्यूरॉन्स। अब यहाँ पे एक वर्ड सुनो, रिसेप्टर, रिसेप्टर एज इट इज डेफिनेशन आ सकती है, हर वर्ड को ये सोचो ये क्वेश्चन आ सकता है। रिसेप्टर क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। अगर मेरे हैंड ने स्टिमुलाई रिसीव किया तो मेरा हैंड यहाँ पे हो जाएगा रिसेप्टर, मतलब जो स्टिमुलाई को रिसीव कर रहे हैं वो होते हैं रिसेप्टर, और यही रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव करके किसको दे रहे हैं, सीएनएस को दे रहे हैं, मतलब रिसेप्टर से कौन लेके जा रहा है मैसेज, सेंसरी न्यूरॉन्स। क्या लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जा रहा है। तो सेंसरी न्यूरॉन के लिए कोर वर्ड यूज होता है एफरेंट न्यूरॉन, क्या वर्ड यूज होता है, एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट न्यूरॉन जो मैसेज लेके जाते हैं। अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर टोटल 5 सेंस ऑर्गन हैं, जैसे कि आई,
तो आई पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होएगी? फोटो रिसेप्टर। आई पे प्रेजेंट होएगी फोटो रिसेप्टर। अब आई लाइट को डिस्टिंग्विश करती है, हमने लाइट ऑन कर दी, ऑफ कर दी, तो हमें अलग अलग कलर दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? तो लाइट के केस में फोटो रिसेप्टर। लाइट डार्क हो गया तब भी लाइट नहीं है, फोटो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो फोटो रिसेप्टर जो आई में होते हैं, हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं। फिर इसके अंदर भी हम डिटेल में जाए तो रेटिना पे इनर लेयर होती है आई की रेटिना, उस पे रोड्स और कॉन्स होते हैं। कॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डिफरेंशिएटिंग इन द कलर, और रोड्स डार्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फोनो रिसेप्टर, सुनना ध्यान से, फोनो रिसेप्टर, अलग अलग प्रकार की आवाजें पता लग जाती है ना कि ये किसकी आवाज है, पर्टिकुलर पर्सन की आवाज है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोनो रिसेप्टर। वही फोन पे बात करते हैं ना, तो याद क्या करना है, फोनो रिसेप्टर बस। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको अच्छे से मेंशन किया, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बच्चे, ये हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है स्मेल को डिटेक्ट करना। और टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे टंग पे स्मॉल स्मॉल पैपिले प्रेजेंट होते हैं, उन पैपिले मॉडिफाइड होते हैं टेस्ट बर्ड में, और टेस्ट बर्ड वो होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। जैसे कि अगर मैं टंग बनाऊं तो टंग के स्टार्टिंग में होता है स्वीट टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल, थोड़ा पीछे की तरफ होता है साल्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल, और पीछे होता है खट्टे स्वर के लिए रिस्पॉन्सिबल, लास्ट में होता है बीटर कड़वे के लिए रिस्पॉन्सिबल। मतलब टंग स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको स्वीट, कोई चीज स्वीट लगाओगे ना तो उसका अच्छा टेस्ट स्टार्टिंग में आएगा, टंग की स्टार्टिंग पे। तो टंग तो बहुत अच्छे से टेस्ट को पहचानता है, तो टंग पे जो रिसेप्टर है रिस्पॉन्सिबल है टेस्ट के लिए, उसको हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर। टच के लिए टैंगो, टी फॉर टच। अब एक वर्ड है रिसेप्टर, एक वर्ड है इफेक्टर, प्लीज ध्यान से सुनना। रिसेप्टर सेंस ऑर्गन थे जिन्होंने सेंस किया। सेंस ऑर्गन पे जो, जैसे कि हमने बोला लाइट के लिए फोटो रिसेप्टर हो गए, टंग के लिए टैंगो रिसेप्टर हो गए, साउंड के लिए फोनो रिसेप्टर हो गए, और स्मेल के लिए फैक्टरी रिसेप्टर हो गए। अब जो वर्ड है ना वो रिसेप्टर नहीं है, वो इफेक्टर है। वर्ड है इफेक्टर, जिन पे इफेक्ट पड़ा, मतलब जिन मसल्स और ग्लैंड पे इफेक्ट पड़ा सिग्नल। मान लो आपने डॉग को देखा, देखा मतलब फोटो रिसेप्टर ने काम किया, ठीक है, देखते ही आप तेज भागने लग गए, तो यहाँ पे इफेक्ट किस पे आया? आपके स्केलेटन मसल्स पे इफेक्ट। मैंने स्मूथ मसल नहीं बोला, मैंने बोला स्केलेटन मसल पे इफेक्ट आया। मस्कुलर टिश्यू आपने पढ़ा है ना, उस केस में स्केलेटन मसल पे जैसे इफेक्ट आया तो मसल ने एनर्जी प्रोड्यूस करी और अब भागने लग गए। भागोगे तभी ना जब स्केलेटन मसल एक्टिवेट होगी प्रॉपर। तो जिन पे इफेक्ट आ रहा है, या फिर डॉग को देखते ही एडेनलाइन हार्मोन प्रोड्यूस हो गया, मतलब एडेनल ग्लैंड पे इफेक्ट आ रहा है, तो जिन मसल्स पे, या फिर हार्ट बीट तेज हो गई तो कार्डिक मसल पे इफेक्ट आ रहा है, कार्डिक मसल पे, स्मूथ मसल्स पे इफेक्ट आता है, बॉडी के विसरल ऑर्गन्स पे भी, क्योंकि विसरल ऑर्गन होते हैं सॉफ्ट ऑर्गन, और सॉफ्ट ऑर्गन्स में होते हैं स्मूथ मसल्स। तो जिन मसल्स और ग्लैंड पे इफेक्ट आ रहा है उनको हम बोलेंगे इफेक्टर, और जो सिग्नल को ले रहे हैं वो होते हैं रिसेप्टर। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्टर एंड रिसेप्टर। अब हमारे पास सेंसरी नर्व जो इंफॉर्मेशन कैरी करती है रिसेप्टर से, मान लो मेरा हैंड रिसेप्टर स्किन रिसेप्टर है, टैंगो रिसेप्टर टच के लिए, तो रिसेप्टर से लेके जा रही है सीएनएस के पास, तो वो होएगी सेंसरी न्यूरॉन, और जो वापिस आ रही है वापिस कहाँ पे आएगी? इफेक्टर के पास। कहाँ आएगी वापिस? इफेक्टर के पास। तो सेंसरी नर्व मैसेज को लेके जाती है रिसेप्टर से ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास, लेकिन जो मोटर न्यूरॉन, जो मोटर नर्व्स होती है, ये कैरी करती है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को कैरी कर रही है हमारे सीएनएस से, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से, कहाँ पे? इफेक्टर पे। कंफ्यूज मत होना, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। ये बच्चे में पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी का डायग्राम देखो ध्यान से, हमें बड़ा सा पोर्शन दिखा रखा है सेरिब्रम का, डोंट गेट कंफ्यूज, सेरिब्रम इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिबेलम नीचे होता है, विच इज ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल पतली सी ट्यूब होती है, 30 to 33 ग्राम की, बिल्कुल पतली सी होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं है। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए वी ऑल हैव वर्टिबल कॉलम, रीढ़ की हड्डी 26 बोन से मिलकर बनती है, 26 बोन से मिलकर, आप फील कर सकते हो जस्ट हिंड बोन के बाद,
रीढ़ की हड्डी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे सर्वाइकल की 7 हड्डियां होती है, फिर नीचे जाओगे 12 हड्डियां, थोरेसिक कैविटी। जब नर्वस सिस्टम की बात करें तो हमने कहा कि दो टाइप का नर्वस सिस्टम है, एक तो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अदर वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे पास होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, बिल्कुल सही बात है, जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है। एक बार ध्यान से देखो इस फोटोग्राफ को, ध्यान से देखो, अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या आ जाएगा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड मतलब कितना देगी, सीएनएस। अब सीएनएस के अलावा जितनी भी बॉडी के अंदर और नर्व्स वगैरह काम कर रही है, इस वही तो सिंगल लाइन जो बॉडी में और फैल रही है उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट। एक बात और सुनना, जब हम इंसान की बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है। यहाँ पे वर्ड है क्रेनियल नर्व। अब क्रेनियल नर्व का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व वो नर्व होती है जो ब्रेन से अराइज होती है, और स्पाइनल नर्व वो नर्व होती है जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती है। अगर मैं इंसान की बात करूं तो इंसान के अंदर 12 पेयर तो क्रेनियल के होते हैं और 31 पेयर स्पाइनल के होते हैं। ये इंसान का डाटा, ये सब पेयर में प्रेजेंट होते हैं, ये हमने पहले डिस्कस किया था इंटरव्यू के साथ कि 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब जो नर्व्स हमारे हैंड में जा रही है, आर्म्स में जा रही है, लेग्स में जा रही है, फीट में जा रही है, ऑफ कोर्स पेरिफेरल का पार्ट होगी ना बच्चा, किसका पार्ट होगी, वो पेरिफेरल नर्व्स का पार्ट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ सीएनएस, दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आ सकता है, एक बार ध्यान से सुनना, जब हम न्यूरॉन की बात कर रहे हैं तो न्यूरॉन के अंदर, ये न्यूरॉन का सेल है पूरा, अब अगर सेल है सुनो तो सेल के अंदर न्यूक्लियस तो हम बनाएंगे। काफी बार ना बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं, उन्हें नीचे माइलिन शीट मिलती है और हर माइलिन शीट में अलग अलग न्यूक्लियस मिलता है। अरे वो माइलिन शीट में सचवान सेल होते हैं एक्चुअली, माइलिन शीट में सचवान सेल, वो सचवान सेल का न्यूक्लियस होता है। न्यूरॉन के सेल बॉडी में तो एक ही न्यूक्लियस है, मल्टीपल न्यूक्लियस नहीं बना के आएंगे आप, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस बना के आएंगे। ये है बच्चा डेंड्राइट। सैंपल पेपर में क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं इसके ऊपर, ये डायग्राम बना के दे रखे हैं क्वेश्चन, इसी साल के सैंपल पेपर में सीबीएसई से आया है। डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, ठीक है, ये आगे दे रहा है इंफॉर्मेशन, ट्रैवल करते बाय द हेल्प ऑफ एक्सॉन, और अब ये इंफॉर्मेशन एक्सॉन की हेल्प से जो ट्रैवल कर रही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने सचवान सेल बना रखा है, एक्सॉन के अंदर बना रखा है। एक्चुअली सचवान सेल ही रिस्पॉन्सिबल है माइलिन शीट फॉर्मेशन के लिए, यहाँ और यहाँ पे छोटा छोटा गैप हमें दिखा रखा है, इस गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। प्लीज नोट एट दिस पॉइंट, जिस एनसीईआरटी में लिखा नहीं नोड ऑफ रेनवियर वर्ड, एनसीईआरटी में लिख लो, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अब लास्ट है हमारे पास आता है एक्सोन टर्मिनल। बच्चे एक्सोन टर्मिनल, यहाँ पे हम बोलते हैं ना भाई, जब हम मैसेज की बात कर रहे हैं तो केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है न्यूरो ट्रांसमीटर वर्ड। न्यूरो ट्रांसमीटर वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में। सबसे फेमस न्यूरो ट्रांसमीटर का नाम सुनो, एसिटाइल कोलिन, एसी टाइल कोलिन। इसके अलावा एक और न्यूरो ट्रांसमीटर होता है डोपामिन। बहुत सारी अमेरिका के अंदर तो डोपामिन का लेवल बहुत कम होता जा रहा है लोगों में, काफी लोगों में, इवन हर 6 पर्सन में डोपामिन का लेवल कम है। डोपामिन का लेवल कम होगा तो बहुत दिक्कत वाली बात है, बिकॉज डोपामिन हमें, हम खुश रह रहे हैं, सेटिस्फाई रह रहे हैं अपनी लाइफ, इसलिए डोपामिन रिस्पॉन्सिबल होता है। मान लो लाइफ में कोई दुख नहीं है, बट मतलब फिर डिप्रेशन में जा रहा है, हर 6 पर्सन डिप्रेशन का शिकार है, लाइफ सब कुछ बढ़िया चल रही है हर हर तरीके से, बट फिर भी डिप्रेशन है, पता नहीं किस चीज का है, तो वो डोपामिन का कम है। डोपामिन मिल के टैबलेट्स ले रहे हैं, फिर आप कहोगे अच्छी बात है टैबलेट्स आ तो रही है डोपामिन की, बॉडी में नेचुरल तो सीक्रेट नहीं हो रहा ना, टैबलेट ले रहे बॉडी सही रहे, न्यूरो ट्रांसमीटर सिग्नल जा तो नहीं रहा बॉडी में ढंग से। तो जो हम ये अंकोच्चारण कर रहे थे ना, अगर अंकोच्चारण ढंग से किया जाए ना तो बॉडी के अंदर गामा वेव्स बढ़ती है, और
और बॉडी के अंदर डोपामिन रिलीज करने का मिड ब्रेन के न्यूरॉन्स को होता है। हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन छोटा सा होता है, फिर नीचे हो गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के न्यूरॉन्स ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन रिलीज करते हैं। और अमेरिका के तो रिसर्च पेपर ने ये बात इंडिया का नाम लेके स्पेसिफाई किया है। इंडिया में जो कोमकोस चावल होता है अगर उसको सही तरीके से 7 टाइम्स किया जाए ना, तो बॉडी में नेचुरली सिक्रीट होगा डोपामिन। आप खुद सोच के देखो कि टीचर पढ़ा रहा, बस पढ़ते ही याद हो रहा है। अगर डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर ढंग से नहीं रिलीज होएंगे ना, तो आप देख रहे हो मैसेज जाएंगे ना ब्रेन तक, मतलब फोटोरिसेप्टर ढंग से काम नहीं कर रहे, ईआर ढंग से काम नहीं कर रहा, फोटोरिसेप्टर ढंग से काम नहीं कर रहे। क्यों काम नहीं कर रहे? न्यूरोट्रांसमीटर, बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी इंफॉर्मेशन वन न्यूरोन टू अनदर न्यूरोन। अगर इंफॉर्मेशन जा ही नहीं रही एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन पे, तो कैसे काम करेगी बॉडी? तो मेडिटेशन का ये बेनिफिट होता है। अब हम न्यूरोट्रांसमीटर तो पता लग गया बच्चे आपको, अब इन्फॉर्मेशन जाती कैसे है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, सुनो, पहले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे। डेंड्राइट हमेशा इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। पेपर में क्वेश्चन आ जाए वर्ड में, इन्फॉर्मेशन कैरी कौन सा पार्ट कर रहा है न्यूरॉन का, तो बच्चा एक्सॉन पार्ट कैरी करता है, डेंड्राइट पार्ट कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को, एक्सॉन आगे ट्रैवल करवा देता है। ब्रेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि ब्रेन रियली हमारी बॉडी का हार्ट भी ना, खुद भी हार्ट, हार्ट को खुद भी कंट्रोल करता है। लेकिन आपने पढ़ा है हिंड ब्रेन के पार्ट हमारी हार्ट बीट कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी रेस्पिरेशन कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रीथिंग कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल सही बात यहाँ पे लिखी है कि ब्रेन में कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ह्यूमन बॉडी का। अब ब्रेन तो वो सॉफ्ट ऑर्गन होता है, तो इसी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सबके पास है स्कल। बात सुनना, स्कल को ही हम बोलते हैं क्रैनियम। ये स्कल मिलके बना है आठ, एट बोन से। कितनी बोन से? एट बोन से। ये बात आपको पहले लिखवाई हुई है याद हो तो, ये क्रैनियम बच्चा कितनी बोन से मिलके बनता है? एट बोन से। फिर काफी सारे बच्चे कहते हैं मैंने तो हिलाया, मेरा तो नहीं थी बोन। अरे बोन हिलेगी कैसे? ये आपस में फाइब्रस जॉइंट से जॉइंट है, और फाइब्रस जॉइंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है जो कि हमारे क्रैनियम में प्रेजेंट है। सोच के देखो कि हाउ ब्यूटीफुली डिजाइन अवर बॉडी, कि पहले कितना ब्यूटीफुल डिजाइन था, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए अच्छा सा ट्रेनिंग देना है, आठ बोन को जॉइंट भी स्ट्रॉन्ग कर देना, कोई ऐसे करो ये हड्डी इधर पहुंच जाए, तो एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट। तो याद रखना आपको एट बोन्स एंड बोन्स जॉइंट विद ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ ए जॉइंट व्हिच इज नोन एज फाइब्रस जॉइंट। प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ दिस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट बेटा, फाइब्रस जॉइंट हमारे ब्रेन में एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट है, इमूवेबल है, मतलब बिल्कुल भी घूम नहीं सकता। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर व्हाट? कि ब्रेन में क्रेनियम एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ब्रेन को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। क्रेनियम को हम स्कल बोलते हैं, क्रेनियम को स्कल बोलते हैं। कभी पेपर में कंफ्यूजन हो जाए, स्कल को मिस की जा रही है, स्कल को क्रेनियम बोलते हैं, हम एक ही बात होती है दोनों। अब चलो ये तो ठीक है, स्कल है। इसके अलावा ब्रेन के अंदर, ब्रेन की हम बात करें ना, ऊपर मेनिंजिस होती है। मेनिंजिस बोलते हैं किसको है? ये तीन मेम्ब्रेन होती है, तीन मेम्ब्रेन होती है, उनको मेनिंजिस बोलते हैं। और इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, होता है सीएसएस, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। यही रीजन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक्चुअली तो हम सबका ब्रेन होता है 1.2 से 1.4 kg, 1200 ग्राम टू 1400 ग्राम, तो 1500 ग्राम अप्रोक्सीमेट। लेकिन फिर भी हमें ब्रेन का वेट इतना कम क्यों फील होता है? बायोलॉजी के कारण। बायोलॉजी आप फिजिक्स में पढ़ते हो, एक्चुअली वेट से कम वेट फील होना, क्योंकि सीएसएफ जो प्रेजेंट होता है वो ब्रेन बायोलॉजी प्रोवाइड करता है। हमें हल्का फील होता है, 800 ग्राम से भी हल्का फील होता है ब्रेन। सोच के देखो, कभी फील किया कि यहाँ सर्वाइकल के ऊपर लगभग 1.5 किलो का कुछ भार प्रेजेंट है? इतना फील ही नहीं होता, क्योंकि सीएसएफ बायोलॉजी हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये ब्रेन को शॉक से बचाता है। सीएसएफ, सीएसएफ कम है तो शॉक लगने के चांस है ब्रेन में। ब्रेन में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पोर्शन फॉर बर्ड्स। ब्रेन में तीन मेन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जब हम फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन के अंदर होता है सेरिब्रम। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ऑल्फैक्टरी लोब। सेरी
हमारी वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है मेनली, इसके अलावा थिंकिंग थिंकिंग पार्ट कि मेरे नंबर कितने आएंगे, मैं फर्स्ट ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाऊंगा या नहीं लाऊंगा, या सेकंड रैंक लाऊंगा, पूरे वार्ड में टॉप करूंगा या नहीं करूंगा। तो आप थिंक कर रहे हो है ना कि मुझे टॉपर करना है पूरे बोर्ड में, पूरे सीबीएसई बोर्ड में। तो वो पार्ट आपने जब सोच रही है बात कि मुझे फुल नंबर लाने हैं मेरे सारे सब्जेक्ट्स में, तो कहाँ से सोची? सेरिब्रम में ये ख्याल आया मुझे अच्छे से पढ़ने का, ये ख्याल आया सेरिब्रम में, ख्याल आया वॉलेंट्री एक्शंस। आप अच्छे से पढ़ रहे हो यहाँ बैठे हो तो वॉलेंट्री एक्शन है ना, आप लिख रहे हो। इसके अलावा टच सेंस हियरिंग अच्छे से सुन रहे हो, मतलब काफी बार बच्चे कहते हैं मैं ध्यान मैंने सुनी नहीं बात। अरे आप कंट्रोल कर सकते हो, याद रखना आप किसी की बात सुनने नहीं सुनने आपके कंट्रोल नहीं है। मैं कुछ और सोचने लग गया था, आप अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो। अगली बार ये बहाना मत लगाना मैं तो टीचर का ढंग से नहीं सुनी। आप कंट्रोल कर सकते हो, दिमाग भटक रहा है उसको मत भटकाने दो, बिकॉज हियरिंग कैन बी कंट्रोल बाय अस। टेस्ट साइड क्या आप चीज देखनी है, अच्छी देखनी है बुरी देखनी है, मेंटल एक्टिविटीज जैसे कि थिंकिंग आगे ना ये लाइन, क्या सोचना है क्या लर्न करना है, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा लर्न करना है, हमारी मेमोरी, इमोशंस भी कौन कंट्रोल कर रहा है, फोर ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है इमोशंस, प्यार की इमोशंस भी फोर ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज्यादा इमोशंस है आप सबके अंदर प्यार वाले। आगे मिड ब्रेन, मिड ब्रेन कंट्रोल, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं भाई ये रिफ्लेक्स मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी की रिफ्लेक्स मूवमेंट कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, बड़ा छोटू सा होता है बट काम बड़े मस्त करता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि अगर मिड ब्रेन को ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हाइपोथैलेमस को रिमूव कर ले तो क्या होगा, एक नीट का क्वेश्चन था हाइपोथैलेमस को रिमूव कर ले तो क्या होगा, अरे टेम्परेचर रेगुलेट नहीं होगा, हाइपोथैलेमस का काम है टेम्परेचर रेगुलेट करना, तो ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था, अगर हम मिड ब्रेन को रिमूव कर ले तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स मूवमेंट, जब रिफ्लेक्स मूवमेंट हमारी हेड की नेक की आईज की। अब आप कहोगे आईज मूवमेंट, हमारी जो प्यूपिल की मूवमेंट होती है हमें पता भी नहीं लगता मूवमेंट हो रही है ना बच्चे, मूवमेंट आईरिस की मूवमेंट है जब प्यूपिल का, ये आपने फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं कि आप डार्क में जाओगे प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा है ना, कभी ज्यादा डार्क। हाँ एक्यूमोडेशन में आता है टॉपिक, एक्यूमोडेशन के नीचे सारे टॉपिक लिखा हुआ है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अंदर सेकंड पेज पे, सेकंड जिस पे भी ये लाइन लिखी हुई है। अब इस पे आ जाओ, जब मिड ब्रेन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्स मूवमेंट भी हमारी आई की है, सब कौन कंट्रोल कर रहा है, मिड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, हिंड ब्रेन सेरिबेलम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेरिबेलम बॉडी पॉस्चर को बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। अब दारू पी के चलोगे तो चल ही नहीं पाओगे ढंग से, ऐसे गिरने वाला, क्योंकि सेरिबेलम इफेक्ट हो गया। पोन्स बेटा, पोन्स रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोन्स, मेड्यूला पार्ट, हार्ट बीट, अगर मेड्यूला मान लो गलती से यहीं पे गन लगी मेड्यूला पार्ट में तो हार्ट बीट इंस्टेंट डेथ। काफी बार ऐसा होता है ना कि ब्रेन चुप, कभी कहते हैं हेलमेट, जब भी आप ड्राइविंग करो तो हेलमेट लगा के करो, और गोली लग जाए तो सीधा, अगर मेड्यूला पे लगी ना सुनो सेरिब्रम पे लगी तो कोई दिक्कत नहीं आती, नहीं मान लो शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होगी कुछ हो गया, लेकिन मेड्यूला पे लग गया और मेड्यूला पूरा खत्म हो गया तो इंस्टेंट डेथ होगी, क्योंकि उस केस में हार्ट बीट रुक गई स्टॉप। इसके अलावा मेड्यूला का बच्चे एनसीईआरटी बहुत कंफ्यूज कर रखा है इस पोर्शन को सच में, तो इस नोट्स में से पढ़ लेना, बहुत 2 मिनट के अंदर रिवाइज होगा चैप्टर। मेड्यूला हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहा है, इसके अलावा ब्लड प्रेशर विच इज नोन एज बीपी कौन कंट्रोल कर रहा है, मेड्यूला कंट्रोल कर रहा है। हम स्वेलो कर रहे हैं, हमने खाना बक्कल कैविटी में आया चबाया, बक्कल कैविटी से डायरेक्ट फाइनेक्स वाले पोर्शन में जा रहा है ना, वो चीज भी मेड्यूला कंट्रोल करता है। कफिंग स्नीजिंग वॉमिटिंग सेंटर, याद रखना वॉमिटिंग सेंटर लोकेट होता है मेड्यूला रीजन में, वॉमिटिंग सेंटर लोकेट होता है मेड्यूला रीजन में, याद रखना ये वाली चीज, ये नीट का है क्वेश्चन है, वेयर इज वॉमिट सेंटर लोकेट इन अवर बॉडी इन अवर ब्रेन, तो कहाँ लोकेट है, हिंड ब्रेन के मेड्यूला रीजन में। अब स्पाइनल कॉर्ड में जो हम आएंगे तो स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये स्टार्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन के हिंड ब्रेन वाले पार्ट से स्टार्ट हुई और पूरी वर्टिकल कॉलम जहां तक चलती है वहां तक चलती है। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स अराइज होती है उनको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। हम सबकी ह्यूमंस के अंदर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है,
बेटा ये मैसेज कैरी करती है, ये ब्रेन और उसका बहुत अच्छा रिश्ता है, ये मिलके रहते हैं इकट्ठे। ब्रेन कहता है मेरे मैसेज को ले लियो, ये कहता है मेरे मैसेज आप ले लेना, तो इनका बहुत अच्छा रिश्ता है। ये लड़ाई बड़ाई नहीं करते बिल्कुल भी। ये अभी मैं आपको बोल रही थी जो सेवन पेयर होते हैं सर्वाइकल नर्व, ये यहाँ पे सात हड्डी होते हैं ना सर्वाइकल की, यहाँ यहाँ वाली होते हैं सर्वाइकल नर्व, फिर यहाँ से लेके नीचे तक ये होते हैं थोरेसिक नर्व। थोरेसिक यहाँ पे 12 हड्डी आते हैं टोटल, आप काउंट भी कर सकते हो कोई स्केलेटन जैसा बच्चा हो तो उसकी। थोरेसिक के जस्ट नीचे होता है लंबर रीजन, और जो हमारी लास्ट होती है ना उसको हम बोलते हैं सेक्रल नर्व, और सेक्रल के भी नीचे एक होती है बोन छोटी सी, मैं तो बोन में बोल रही हूँ, बोन का नाम है कॉकिक्स। अब बोन के नीचे है स्पाइनल कॉर्ड, तो वर्टिकल कॉर्ड में तो प्रिंसिपल स्पाइनल कॉर्ड, उसके नीचे होती है कॉकिजियल नर्व। ये सिर्फ एक बार देखना था बस, इसको याद नहीं होना चाहिए आपको, बस आपको याद हो क्या रखना है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन मिलके बना रहा है सीएनएस। ब्रेन से जो नर्व्स अराइज हो रही है क्रैनियल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व अराइज हो रही है बच्चों उसको हम क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व। दैट्स इट।